Namaste to all. And here is the 10th lecture from the chapter Electricity. Very soon this chapter is going to end. But you guys need to practice a lot, because now the time has come in which there is less theory but more questions. अब यहाँ से आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा चैप्टर में साइनिंग आएगा. तो अब यहाँ से कोशिश आप लोग यही रखेंगे कि जितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें. जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो मिलता है आपको, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी के बाद कोई अदर रेफरेंस बुक हो. रेफरेंस बुक कहने का मतलब जो साइड बुक है, लाइक प्रदीप है, चांद. आई एम नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग एनीवन एल्स. आई एम जस्ट सेइंग यू मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम देम. ओके, सो दैट देर विल बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू नो. Electrical circuit, you know, electric circuit. देखिए, हम लोग हर एक चीज को लिंक करते हुए आगे कर बढ़े हैं, ठीक है ना. जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी को देखा, फिर करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्या है कि पहले हम समझे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर हमने करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, कौन सा का उसे फ्लो करने के लिए हेल्प करता है. तो एक ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर्ड मोशन कौन बना सकता है, कैसे बन सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मोशन करते ही रहते हैं, फिर ऑर्डर्ड क्यों नहीं बन पा रहा है. तो उसके पीछे कारण था कि बिकॉज देयर इज नो एनी डिफरेंस टू ड्रिफ्ट. सो देन कम्स पोटेंशियल डिफरेंस. फिर पोटेंशियल डिफरेंस आया. अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट हमें मिल सकता है. बट द क्वेश्चन इज दैट, कहाँ मिलेगा करंट, वेयर वी विल गेट करंट, कहाँ करंट मोशन करेगा, किस जगह पे करेगा, क्या मेरे घर में, आपके घर में. तो अब वापस नेसेसरी पड़ रही है नई चीज़ों की. तो अब हम लोग समझते हैं इस बात को. तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट वायर में ही फ्लो करता है. अब मानो कि मैंने कोई सर्किट, मतलब कि मैंने, मुझे अपने घर में बल्ब लगा हुआ है, स्विचेस हैं, बैटरी है, या बैटरी एज्यूम करते हैं, बैटरी मैंने खरीद के लाया, मैंने वायर कनेक्ट किया बल्ब से और बल्ब ग्लो किया, स्विच भी लगा दिया, मानो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव. मैंने बैटरी खरीद के लाया, मैंने बल्ब भी खरीद के लाया, फाइन, स्विच भी, और वायर भी. मैंने स्विच ऑन किया और बल्ब ग्लो किया, वेरी इजी. वी ऑफन यूज दिस प्रोसेस इन आवर होम्स टू, एंड सिंस वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रेजेंटिंग दीज आइटम्स, आई मीन टू से बैटरी को रिप्रेजेंट करना हो, बल्ब को, स्विच को, वायर को, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो बुक्स में ये सब बातें भी दी जानी है और आगे भी दिया जाएगा, और आगे फिर ट्वेल्थ में देना है, फिर आगे जब हम लोग इंजीनियरिंग की बात करेंगे या बैचलर इन साइंस की बात करेंगे या कोई भी हायर एजुकेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें आएंगी. तो बल्ब का फिगर बनाना आना चाहिए, बैटरी का फिगर बनाना आना चाहिए, स्विच का, तब जाके बहुत सारी बातें होंगी, है ना. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि बार बार बल्ब का फिगर बनाने आना जरूरी नहीं, कि बल्ब का फिगर अब अच्छा बनाएं, आप अच्छा नहीं बनाने पे मार्क्स कर सकते हैं, बहुत सारी बातें होंगी. तो जरूरी नहीं कि अब हर बच्चा एक बल्ब का फिगर को बना ही दे, जरूरी नहीं है. सो और दूसरी बात है कि इट टेक्स टाइम टू मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बल्ब, बैटरी, स्विचेस, और डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर, लाइक रेजिस्टेंस आर देयर, यू नो, रेजिस्टेंस बॉक्स आर देयर, देयर आर सो मेनी अप्लायंसेस. सो हम लोग कभी भी अगर इस सारे अप्लायंस का फिगर अगर डायग्राम बनाना पड़ेगा नोटबुक में या बुक में ही अगर प्रिंट आना पड़ेगा, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल टेक मच ऑफ स्पेस एंड इट इज़ अ टिपिकल ऑल्सो, यानी कि स्पेस भी लेगा, टाइम भी ज़्यादा लेगा एग्जैक्टली, और फिर से ये मतलब थोड़ा सा टिपिकल डिफिकल्ट भी है. तो ये सब चीज़ें बार बार करनी होगी हमें आगे. तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या हुआ कि हम लोग एक तरीका ढूंढे. हम लोग हमेशा अपने पढ़ाई को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, हम लोग हमेशा अपने वर्ल्ड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया. तो इस कारण से अब इस ये जो तामझाम है, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ा, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपका इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम.
सो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन कैसे देते हैं कि जो आपका ये जो आप वायर देख रहे हैं या ये जो सिस्टम आप देखा जहाँ पे करंट आपको फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कहाँ करेगा? तो करंट फ्लो करेगा एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। यानी क्या कहते हैं हम लोग कि व्हाट इज, अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन करने चाहें तो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक क्लोज, क्लोज कहने का मतलब देर मस्ट बी नो एनी ब्रेकेज, ओके, एंड कंटिन्यूअस। क्लोज एंड कंटिन्यूअस का मतलब कि देर मस्ट बी नो एनी ब्रेकेज, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मानो कि इसको अगर अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो एक क्लोज और लगातार कंटिन्यूअस पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक करंट मोशन करता हो, या इलेक्ट्रिक करंट जिस रास्ते से होके चले, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि अगर हम ये चीज बनाए हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बार बार? बोलेंगे अरे बैटरी है, बल्ब है। यानी कि इसको हम किस नाम से जानेंगे? शॉर्ट में जानना होगा। अगर मुझे कहना है क्या है, व्हाट इज दिस अरेंजमेंट कॉल्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर अरेंजमेंट, क्या इस नाम से पुकारेंगे? क्या ये लेथार्जिक नहीं है? तो हम ये जो सिस्टम अरेंजमेंट है, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, हम उसे बोल देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। अब करंट तभी फ्लो करेगा जब उसके पास रास्ता हो फ्लो करने के लिए, और इसी रास्ते का हम कहीं कहीं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट देने वाले हैं, और ये हमेशा क्लोज और कंटिन्यूअस होगा। सो वी हैव अ डेफिनेशन, ब्यूटीफुल डेफिनेशन, अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि एक टोटली ढंग से क्लोज और एक लगातार रास्ता इलेक्ट्रिक करंट का, हम उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहने वाले हैं। यानी कि अब हमने जो बनाया, हम इसे कह सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक सर्किट है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक सर्किट बार बार बनाने के लिए भी बहुत ही पेचीदा है। अब ये सब जो चीज़ें हैं इसको फिर सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, तो देखते हैं। तो इसके लिए आया आपका सर्किट डायग्राम, यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक बातें हैं, आप सिंपली समझ सकते हैं। जैसे मानिए अगर ये स्विच है, तो क्यों ना इसे हम एक सुंदर सा, एक सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दें हम, ठीक है? जैसे कि ये हम इसे बोलते हैं सिंबॉल। अगर हम ये फिगर बनाएं और ये फिगर बनाएं, कौन इजी है? दिस इज मोर इजियर। सो ये है आपका स्विच, और ये भी क्या आपका स्विच, ये ओपन है, ये क्लोज है। फिर आगे देखेंगे ओपन क्लोज। ओपन मतलब क्या कि आपका सर्किट ब्रेक है, खुला हुआ है, ओपन है, और क्लोज मतलब सर्किट क्लोज है, बंद। करंट यानी इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, ये आपका ऑफ कंडीशन है और ये स्विच का ऑन कंडीशन है। ठीक उसी प्रकार से बैटरी बनाए, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा आपको? ये प्लस माइनस बैटरी होगा ये। अब इसको हम बना चाहते हैं वेरी, देखो कितना मस्त बने हुए, ये एक सेल है एग्जैक्टली। यानी कि मैंने एक एक पॉजिटिव को एक बड़े वाले स्टिक से, और यानी कि बड़ा लाइन से, और नेगेटिव को छोटे लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, एक बैटरी हो गया, सॉरी सेल हो गया। और आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो आप ग्रुप ऑफ सेल बनाइए, ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, यही पॉजिटिव है, लेकिन हम लास्ट इन से ही मतलब रहेगा, तो ये बैटरी हो गया। Easier, so this is more easier than this. So we have some circuit diagram. So what is circuit diagram? यानी कि आपके सर्किट में जो भी कंपोनेंट यूज हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज हुए हैं, उन सभी का एक सिंबॉलिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, हम उसे बोलेंगे सर्किट डायग्राम। दिस डेफिनेशन विल नेवर बी आस्क्ड परहैप्स, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट हैव एन डेफिनेशन, एंड फॉर दिस पर्पज आई हैव ऑल्सो रिटन दिस डेफिनेशन इन योर नोट्स टू, सो यू मस्ट हैव अ लुक एट द एंड वैसे भी हमने पहले से कहा है कि आप उस नोट्स को जरूर देखें जब भी आप कभी हमारे वीडियोस को देखने के लिए आते हैं, ताकि आपको ईजियर लगे, आपको टॉपिक्स भी पता रहे, पहले से सब कुछ रिवाइज रहे और पढ़ने में प्रॉब्लम ना होगा इस कारण से। सो दे आर सो मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, वी आर जस्ट मूविंग स्टेप बाय स्टेप। हम लोग कुछ देखेंगे, कुछ हम इमेज को शो भी कर देंगे आगे आएगी वीडियो में, और कुछ आपको बता देंगे कहाँ से पढ़ना होगा। तो हम लोग कुछ तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंटिन्यूस क्लोज पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और जितने भी अब कोई अगर कोई सर्किट है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज होंगे, तो उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सिम्बॉलिकली का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम ही उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कहते हैं, ठीक है? तो इस डायग्राम के दौरान कुछ चीज़ें बातें आती हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एकदम बेसिक वायर, सो
दिस इज वायर, वेरी इजी। ठीक है आपका वायर। दूसरा, वायर को हम किसी दूसरे वायर से कनेक्ट किए तो कैसे बनेगा? देखिए, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब जहाँ पे कनेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। हम बस ब्लैक से इसलिए हाईलाइट किए ताकि आप लोग को दिखे, ऐसा नहीं कि आप लोग भी लाल काला ब्लू कर दे, एक ही पेन से चलेगा। इस इज कनेक्टेड वायर, फाइन। थर्ड, मैं फिर से वायर बना रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायर एक दूसरे के ऊपर से जा लेकिन कनेक्ट ना हो, तो उस कंडीशन को ऐसे एयरप्लेन करेंगे। ये वायर एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, बट दीज आर कनेक्टेड, कनेक्टेड बट दीज इज नॉट कनेक्टेड। वायर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट कनेक्शन, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। थर्ड वन, स्विच या और इसमें बनाते हैं, आपका एक ओपन है और एक क्लोज है। ओपन स्विच जिसे आप लोग ऑफ बोलते हैं और क्लोज स्विच, गुड। नेक्स्ट सेल, हमेशा छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, पॉजिटिव वैसे भी क्या होता है एक हायर पोटेंशियल, तो उसको शो करने के लिए हम लोग बड़ा दिखा देते हैं। सो सेल, बैटरी फिर कैसे होगा? एक से ज्यादा सेल ही ना, माइनस प्लस, ठीक है आपका बैटरी इजियर। नेक्स्ट कम्स ओके रेजिस्टेंस, हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इस चीज़ को, अब याद रख लीजिए। फिर आपका आएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम फिर से बोल रहे हैं आगे देखेंगे हम लोग। बल्ब, या यू कैन प्रेजेंट बल्ब इन दिस वे, नाउ कम्स व्हाट करंट फ्लोइंग दिस वे, करंट फ्लो को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब क्या किए, ये आपका करंट है, एसी करंट को शो कर रहा है, ठीक है। जैसे बैटरी लगाते हैं ना कहीं पे, तो यानी बैटरी मतलब क्या, जो आपके पास केमिकल रिएक्शन पे काम करने वाला जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, हम उसे बैटरी असल बोलते हैं। आपके घर में जो करंट आती है तो उस केस में अल्टरनेटिंग करंट आता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे शायद मैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पे हम लोग बैटरी की जगह ये यूज़ करते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं, तो मैं आपको आगे एक पिक्चर लगा दूंगा, वहाँ आप देख लेंगे, इवन मेरे नोट्स में सारा दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं सारा, जितने भी डायग्राम एक्स्ट्रा, मेन बेसिक इतना से काम हम लोग का चल सकता है। और फिर एनसीईआरटी का एटलीस्ट जितना डायग्राम दिया गया वो तो आपको याद होने ही चाहिए, मतलब अगर आपको कंफ्यूज हो रहा कि कितना पढ़े कितना सिंबल्स याद रखे, तो एटलीस्ट एनसीईआरटी का ओवरऑल, मतलब नॉट एटलीस्ट 100% एनसीईआरटी आपको याद होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं या वहाँ वो इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली। उसके बाद आप एंड्रॉइड चेक कर सकते हैं, और इतना भी इनाफ है बेसिक लेवल पे, नॉट मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट किस चीज़ से मिलकर बना होगा, तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, गुड। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या, यानी कि ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता हो, हम इसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कह सकते हैं। इवन मोबाइल बैटरी, इवन बैटरी इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बल्ब रेजिस्टेंस फैन एसी जनरेटर वट एवर द थिंग्स विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग, कहने का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या,
कि जितने भी मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बना हुआ, बाय द वे हम मानते हैं, अब हम एक एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैंने ये लगाया बल्ब, मैंने ये लगाया स्विच, मैंने ये लगाया बैटरी, मैंने लगाया रेजिस्टेंस, करंट फ्लो करता हुआ दिखा दिए, पॉजिटिव से निकलेगा हमेशा। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, ठीक, वेरी गुड। और ये अब ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से मिलकर बना हुआ है, जैसे वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये बल्ब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, स्विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, बैटरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। आप इसको वी से जोड़ कर सकते हैं, आप इसे वी से डोंट कर सकते हैं दिस वन, ओके। आप इसे आर से डोंट कर सकते हैं, आप बल्ब को बी से, स्विच को एस से, दिस इज इनफ। अब क्या है कि देखिए, तो इनमें जितने भी इक्विपमेंट पाए जा रहे हैं, जितने भी इलेमेंट, इलेमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि इलेमेंट मतलब इकाई, इस चीज से मिलकर बना होगा, तो हम इस सारे चीज को दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए, एक है आपका ये, मैं अंतर बताता हूँ क्या अंतर है, और एक है ये तीनों। इस सारे में से एक ऐसा है जो एनर्जी को दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइडर है। इस सारे एलिमेंट में सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा है जो एनर्जी यूज कर रहा है, एनर्जी कंजप्शन है, एक है एनर्जी कंज्यूमर। गेट दैट? तो दो तरह की चीज है ना, तो एक सर्किट में हमेशा एक ना एक इलेक्ट्रिकल, एक एनर्जी प्रोवाइडर होगा और बाकी सब एनर्जी कंज्यूम करने वाला होगा। जैसे बल्ब ग्लो कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इवन स्विच आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपका वायर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब पढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है तो एनर्जी ले रहा है ना, तो जो जो एनर्जी दे, यानी जो एक्टिव मोड में हो सर्किट में, हम उसे बोल देंगे एक्टिव एलिमेंट्स, यानी दूस एलिमेंट्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट आर टर्म्ड एज एक्टिव एलिमेंट्स। बैटरी, जनरेटर, डायनेमो, समटाइम कैपेसिटर व्हेन फुली चार्ज्ड, इट इज ए, ये इतना चीज अगर सर्किट में होगा तो वो हमेशा एनर्जी प्रोवाइड देगा। बाकी बात जितना है, यानी बल्ब हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी कंज्यूमर है। तो ये एक दो बात हुई। अब एक चीज और समझेंगे और फिर टॉपिक इंड होगा, ठीक है। अगर किसी सर्किट का स्विच ऑन रहा, ऐसे ये कंडीशन है, ये आपका स्विच ऑफ कंडीशन है, और ऐसे कंडीशन में सर्किट में कोई करंट नहीं रहता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं हम इसे? ओपन सर्किट। एक टर्म है, मतलब कहीं बोले कि आप एक ओपन सर्किट को ओपन करो, अगर कहा जाए तो क्या करेंगे आप, स्विच को ऑफ कर देंगे। अब कंफ्यूज मत होइए, ओपन मतलब खुलना होता है, यानी कि इसको ऑन करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ओपन यानी कि हम खोल दिए, रास्ता खोल दिया, यानी कि देर इज नो कनेक्शन नाउ, एंड सिंस एंड हेंस सर्किट इज ऑफ, सो देर विल बी नो नेट करंट। सो व्हेन देर इज नो नेट करंट इन द सर्किट, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, देन द कंडीशन ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओके, यानी कि आप जो सर्किट है वो दो तरह के होते हैं, एक होंगे ओपन सर्किट और होंगे क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट नो करंट, मच सम करंट। आप खुद से नोट्स बना भी सकते हैं, जो थोड़े से बनाने में असक्षम है या आलसी भी थोड़ा बना होता है, कौन बनाएगा नोट्स, उसके लिए नोट्स मैंने दे भी दिया है। आप प्लीज डेफिनेशन वाइज वहां से भी देख लेंगे, व्हाट इज एन ओपन सर्किट, अ सर्किट इन विच देर इज नो फ्लो ऑफ एनी करंट, देन दैट सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। और हुड स्विच इज ऑफ, जिसका स्विच क्या हो, ऑफ हो, या जिसका स्विच ओपन हो, सिंपल, और जिसका स्विच क्लोज हो, स्विच ऑन हो, और जिसमें कुछ करंट फ्लो करता हो, हम ऐसा सर्किट बोलेंगे क्लोज सर्किट। दिस इज हाउ एवर द जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज नॉट अ बिगर टॉपिक, सो आई आई मस्ट नॉट जस्ट लेंथन इट, मुझे इसको लंबा नहीं करना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ये सिंपल टॉपिक को ऑफ करते हैं, ताकि एक जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला ओम्स लॉ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से बात अच्छी होंगी। तो ये बस आप ये थोड़ा रिमेम्बर, ये एक तरह से रिमेम्बरिंग टॉपिक था, आप याद कर लेंगे और आगे देखते हैं। ये टॉपिक कहीं ना कहीं चैप्टर को आगे बेस देने के लिए था, ये टॉपिक, यानी सर्किट बनाना है तो आपको सर्किट बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर।
मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट? सो अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. डन. दूसरा, नेम अ डिवाइस विच मेंटेन्स पीडी अक्रॉस द कंडक्टर. विच डिवाइस मेंटेन पीडी, प्रेशर डिफरेंस, अक्रॉस कंडक्टर, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाता है सर्किट में, यानी कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करवाता है. सो सेलर बैटरी, क्वाइट इजी. थर्ड वन, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज 1 वोल्ट? मतलब किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका कहने का क्या मतलब हुआ? यानी इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं 1 वोल्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं, या ऐसे भी कि कहीं ना कहीं आप पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसा यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं. तीनों क्वेश्चन का बात एक हो गया. तो यानी कि व्हाट इज 1 वोल्ट? सो आप फॉर्मूला आइए, तो वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. तो ये 1 कब होगा? जब ये 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा, तब ये 1 वोल्ट होगा. तो क्या बोलते हैं, देखिए, द पीडी अक्रॉस अ कंडक्टर और ऑफ अ बैटरी is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from 1 point to another. खत्म बात. Very easy है. यानी कि अगर 1 जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तब हम क्या बोलेंगे कि उस कनेक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या किसी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? 1 वोल्ट. इजी. अब 1 कूलम चार्ज को, एक क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लीजिए एग्जांपल, वहीं पे आप समझ, अगर आपको समझना है एग्जैक्टली क्वेश्चन, हम थोड़ा जल्दी में देख रहे हैं. 1 कूलम का कोई चार्ज है, ठीक है. अब इसको कितना एनर्जी दे, हम इसको कितना एनर्जी दे ताकि ये एक सर्किट में फ्लो करे एक एंड से दूसरे एंड में, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट. मतलब क्या, कोई बैटरी है, कोई सेल है, माने ये बैटरी, या सेल मानते हैं, बैटरी मानते, कुछ मानी, 6 वोल्ट, ठीक. स्विच लगाइए भाई, स्विच को ऑन कीजिए. गुड, बहुत से निकली दिखाइए, हो गया, स्विच लगा दीजिए, खत्म. अब मानो कि करंट को, अब 1 कूलम चार्ज, ठीक है, 1 कूलम, अब 1 कूलम चार्ज को मानते हैं कि, या इलेक्ट्रॉन को ही एज्यूम कर लिया, अब 1 कूलम चार्ज को फ्लो करना है, ठीक, इस सर्किट में. तो अब इस बैटरी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ 1 कूलम चार्ज थ्रू अक्रॉस अ कनेक्टर हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट. सो 6 भी दिया हुआ है, 6 वोल्ट, क्यू दिया हुआ है 1 कूलम, निकालना क्या है, तो वर्क डन विच विल इक्वल टू, अब इस तीनों में रिलेशन क्या है, तो वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो निकालना क्या है, डब्ल्यू, तो वी इंटू क्यू क्या होगा, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, यानी कि 6 वोल्ट कूलम, यानी कि 6 जूल आंसर. अब इसके बाद जो आपको वीडियोस आने वाले हैं, बहुत जल्दी आएंगे, वो है एक आपका ओम्स लॉ और फिर रेजिस्टेंस, दोनों एक साथ आएंगे दो टॉपिक, तो वो एक इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आप यहाँ तक प्लीज़ कैसे भी तरह क्वेश्चन बना लीजिए, पूरा मैडम क्लियर कर लीजिए यहाँ तक टॉपिक. अब यहाँ से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो यहाँ तो आपको यहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहेगा. इन्जॉय, बी सेफ, यूज द डेज ऑफ क्वारंटीन यूजफुली एंड केयरफुली, एंड डोंट गेट पैनिक, इन्जॉय द डे. आई एम ऑल्सो इन्जॉइंग दिस क्वारंटाइन बाई हेल्पिंग यू गाइज. थैंक यू, बाय.